एकदम फ्रेश हो गया, दिखाओ मम्मा। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो पार्टी होगी बिरयानी की, और मैं बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को फुल रेसिपी दूंगी, क्योंकि हम लोग की कंडीशन ऐसी नहीं है कि तीन देखे उन लोगों को छोड़ा है, तो देखेंगे इंशाल्लाह आगे। हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुशा व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। गाइस आई होप आप सब अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से हम भी मस्त हैं और स्वस्थ हैं। तो गाइस हमारी सुबह हो चुकी है और आज है जुमा का दिन, तो हमारा नाश्ता वगैरह भी हो गया, मैं नहा धो के फ्रेश भी हो गया, और आज मैंने पहना हूँ चॉकलेटी और वाइट कुर्ता पजामा, क्योंकि मेरे पास मतलब दो तीन ही है ना कुर्ते पजामे सिलाने का अभी, तो इसलिए मैं रिपीट ये पहनता हूँ। तो माशाल्लाह आज मेरे को ऐसा फीलिंग आ रही नहीं, आज ऐसा लग रहा है मैंने इस्तरी करके पहना, देखो एकदम सीधा रखे थे ना तुमने, हाँ तो इस्तरी लेने का है तो ले लेंगे, एक इस्तरी तो है घर में और एक लेने का है। तो गाइस इतना मस्त लग रहा है आज मेरे को खुद, मतलब अपना मैं अपने आप को आज देखा ना, आज का रोज़ ही देखता हूँ पर आज मेरे को मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, मेरे को अपने आप की नज़र ना हो जाए इसलिए मैं माशाल्लाह बोल रहा हूँ। तो ये देखिए, अरे यार पूरे बच्चे लोग ने हाथ लगा लगा के गंदा कर दिए, तो देखिए तो कैसा लग रहा हूँ मैं कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं जा रहा हूँ अभी काम पर, शबनम लग गए हैं नाश्ता पानी करने के बाद अपने घर के कामों में, जो कि इतने सारे कपड़े जमा हो गए थे, आप सभी को पता था कि घर में पानी का प्रॉब्लम रहता है, तो हमने टैंकर मंगाए थे कल तो मतलब सब थे ही घर में, तो आज सुबह से मतलब कपड़े चालू कर दिए धोना, तो महाल बाबू को बिठा दिए नाश्ता पानी करके मस्त एकदम। और सो गाइस महाल का बर्थडे मतलब अभी बहुत ही नज़दीक है, और बर्थडे से ज़्यादा खुशी है कि शबनम के घर वाले आ रहे हैं, है क्या जी शबनम? बर्थडे तो नहीं ऐसा, मतलब इतना कुछ खास नहीं है, और देखते हैं जैसा भी रहेगा जो भी रहेगा। तो देखो शबनम, देखो उसकी हरकत देखो, बहुत शाना हो गया माशाल्लाह। देखो शबनम, देखो। और यहाँ पर अट्टू भाभी भी आ गए, क्या बोलते अट्टू कैसा है, सलाम करो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना, क्या बात है। और यहाँ सब बच्चे लोग उठ गए और अपनी अपनी अम्मियों को सता रहे, देखो ये भी चप्पो आपो आपो मम्मा ए आपो आफिया आफिया, अरे माँ शबनम कल शबनम के डर से बाहर सो गई थी यार, ये तो अभी उठी शबनम को देख के तो ऐसा हो गया। चलिए मैं भी निकलता हूँ गाइस जल्दी फटाफट काम पे, और मिलते हैं आने के बाद। सो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप सब, वेलकम होंगे आप लोगों का मुश्किल ब्लॉग में और मार पापा की प्यार दुनिया में। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है और मार के अबू चले गए काम पे, और मैंने घर का सारा काम कर लिया, कपड़ा बर्तन झाड़ू पोछा, और सब लोग खाना ना खाए और सब चले गए। यासिन चाचा लोग गए भाजी के यहाँ, और अब्दुल्ला भाई लोग भी खाना ना खाए और अभी अपने घर पर शिफ्टिंग करने के लिए चले गए। और मैं नहावा के फ्रेश हो चुकी हूँ, माँ पापा को भी तैयार कर दी हूँ, सोए हैं, अभी जाके मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर मैं भी थोड़ा सो जाऊँगी। तो चलें देख सकते हैं, मैं कपड़े दिखाती हूँ कितने धोई हूँ आज मैं कपड़े। तो देख सकते हैं आप लोग, मैंने इतने सारे कपड़े धोई, काफ़ी थक चुकी थी मैंने, और थोड़े से और बाकी है तो एक दो दिन में मैं वो भी निपटा लूँगी। और आज करना है थोड़ी फंके की सफाई और ये सब चीज़ की सफाई, तो चलिए अभी मैं जाती हूँ थोड़ा सा आराम करती हूँ कि मैं काफ़ी थक चुकी हूँ। और मैंने घर का पूरा काम कर ली, ये सब बिस्तर बिस्तर सब एकदम सेट कर दिया, और ये मिरर भी पोछी हूँ। तो चले यहाँ का देख सकते हैं पूरा पत्ता हट चुका है, तो मैं देखूँगी यहाँ के लिए मैं कुछ और फ्लावर्स वगैरह लेके आऊँगी एक दो दिन में जाके। अब चलते हैं आराम करते हैं, फिर मिलते थोड़ी देर से। सो गाइस मैं सो के उठ चुकी हूँ और महत पापा को भी मैं रेडी कर दी, मैं आपको महत को दिखाती हूँ। महत खड़े हो जाओ बेटू, खड़े हो जाओ, कुर्ता दिखाओ, आपका कुर्ता दिखाओ रुक जाओ एक सेकेंड, एक मिनट खड़े हो जाओ जल्दी से, शाबाश तो मेरा बेटा केक खा रहा है, तो कैसा लग रहा है मेरा बच्चा कमेंट करके ज़रूर बताना, माशाल्लाह वो बता रहा है कि मैं केक खा रहा हूँ। हाँ मेरा शोना खाओ खाओ, और थोड़ा सा दूध था तो मैंने गरमाना भूल गई थी, मतलब मैं सुबह काम में लगी थी, दिखाती हूँ मेरे को थोड़ा क्या अच्छा खासा दूध था, तो मैं सुबह काम में लगी थी तो मैंने सबको चाय बना की थी और मैं सुबह गरमाना भूल गई तो ये फट गया। तो चले कोई नहीं, अब इसका मैं जा रही खोआ बनाने, तो इसका मैंने पूरा पानी निकाल ली
जो 19-20 पानी है वो तो रहेगा ही, तब तक ये रहने देते जब तक के ये पक रहा है। फिर उसके बाद मैं महात्या अबू को फ़ोन करी तो उन्होंने बोले मेरे को टाइम लगेगा, अभी 2 या 3 घंटे का काम और है। उन्होंने बोले तुम जब तक ये जाओ बाजी के यहाँ जाके बैठ जाओ, क्योंकि अभी कुछ काम हमें है नहीं। तो मैं बोली ठीक है चलो मैं चली जाती हूँ बाजी के यहाँ जाके बैठती हूँ, फिर वो आएंगे फिर हम घर आ जाएंगे। चलो मेरा बाबा खा पी के एकदम फ्रेश हो गया, दिखाओ मम्मा। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, तो देखो कितना खुश हो रहा है। ये तो मैं रेडी हो चुकी हूँ, भाईजान को फ़ोन करी तो भाईजान बोले मैं आता। मैं बोली अगर आप घर में रहोगे फ्री तो आओ, ना मैं पैदल आ जाती। तो बोले नहीं मैं आ रहा हूँ, बाजी बोले भेजती हूँ मैं भाईजान को। तो देखो चलो। अरे गंदा बच्चा। तो मैं आ गई बाजी के यहाँ, मैं तो कब से आई हूँ। और अभी बज रहे हैं 10, माँ के अब्बू अभी तक आए नहीं है, देखो सब तेरी मस्ती आ रही है। और इसको देखो कैसे बैठी तू, हाँ कैसे बैठी, बच्चों ने दीवार पे कितना लिख दिए। क्या हुआ महात, क्या हो रहा, मस्ती आई। सो गाइस अभी बज रहे हैं 11:15 और हम लोग, मैं बाजी सोलिया मतलब खाना ना खाए सब लोग, हम मस्ती कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे। फिर उसके बाद बाजी अचानक बोले कि चल शबनम मेरा ना बिरयानी खाने का दिल कर रहा है। हाँ बाजी दिल कर रहा है मेरा भी, और आपके हाथ की मतलब बहुत बेस्ट लगती है। तो बोले हाँ चल अपन सोच रहे, बाजी बोले हम कॉन्टी करके अपन बनाते। तो बाजी कल का प्लान कर रहे, पहले संडे का करे फिर बोल रहे कल का। तो बजट निकाल रहे बाजी, बाजी यहाँ पे तैयार कर रहे लिस्ट। अगर वो ऐसा लग रहा है कि लिस्ट तैयार हो जाएगी कितना पैसा क्या आ रहा है, फिर हम अपने अपने मियाओं से बोलेंगे कि ऐसा ऐसा खर्चा है। और मैंने बाजी को कस्टर्ड का ही बोली थी, तो कस्टर्ड का देखते हैं अभी, कस्टर्ड का बाद में देखेंगे, क्योंकि सोलिया भी नहीं खाती, बहुत से बच्चे नहीं खाते। फिर मैं भी देखते कस्टर्ड का कुछ पक्का नहीं है, अभी बिरयानी का पक्का हो रहा है। अभी महात्या अबू आएंगे हम उनको कहेंगे, तो इंशाल्लाह कल भी हमारे घर में पार्टी होगी बिरयानी की। और मैं बिरयानी की रेसिपी आप लोगों को फुल रेसिपी दूंगी, तो आप लोग ज़रूर देखना हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो मैं महात्या अबू को फ़ोन लगाती हूँ, उनसे बात करती हूँ। और देखो बच्चे लोग यहाँ बैठे हैं और सोलिया में इतनी मस्ती कर रहे हैं ना, आप लोग यकीन नहीं करेंगे। हम लोग बिहाइंड द सीन अगर दिखा दिए ना हमारे घर का, तो आप लोग तो क्या ही बोलेंगे। चलो कोई नहीं, बस देख लेते हो तो माशाल्लाह बोल दिया करो, कोई बात नहीं। और ये मुझे यहाँ से इशारे कर रही है। तो मैं बैठी थी, तो मैंने बाजी के हाथ में मेहंदी भी लगाई। मैं भी लीला बाजी ऐसी लगा देती हूँ क्योंकि पीछे पीछे अच्छी लगती है ना, तो ऐसे सिंपल इतनी इतनी लगा दी। बहुत सही लगी ना बाजी, एक नंबर, बहुत मस्त। मैं ऐसी लीफी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, इसलिए मैंने वही डाली। बाजी को ना ये पत्ते ना बड़े बड़े बहुत पसंद है, इसलिए आज मैंने इनको पत्ते वाली ज्यादा डाली। ये वाली मूली पे तो पूरे ही पत्ते, बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत प्यारा। हाँ, अभी कल इस पे मस्त चूड़ी पहनना बाजी। बाजी नहीं पहनते सर, उतार देते। अरे काम बच्चे को लेना, फिर सोने में जमती नहीं है। वही ना। सो गाइस मैं रात में काम पर से बहुत ज़्यादा लेट आया, 12:15 मेरी कल छुट्टी हुई काम की। हाँ, मैं 12:15 आया। हाँ मम्मू, मैंने मेरे मौलाना साहब को देखा ना, मेरे को इतना अच्छा लगा इसको देख के, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कुर्ता पजामा पहना था, मेरे को बहुत लाल आ रहा था इसकी जगह। इसकी फोटो देखा मैंने, कपड़े की फोटो ये छोटे हाफी जी की फोटो। तो गाइस रात में इतना टाइम हो गया था और मैं इतना भीग के आया कि जिसकी कोई हद नहीं, कैसा भीग के आया था शिमला में। हाँ ना, और मैं व्लॉग नहीं बनाई क्योंकि मैं भी उनको उनके इंतजार में थी, तो उस वजह से। और मतलब कल मैं हिम्मत करके वनडे भीगा इतना, फिर उसको फरियान को छोड़ने एकदम लास्ट में पहाड़ के पास भी गया था, फिर उसको छोड़ के आया। आने के बाद फिर घर पे आया जब, तो बारिश भी थी और फिर आया शबनम ने सर और पोछे। बाजी के वहाँ से पहले इनको लेके आया, फिर घर पे आने के बाद शबनम ने सर और पोछे। उसके बाद मैं छेड़ वो करके खाना खा के ऐसा सोया हूँ एकदम मस्त। और आज शबनम को मैंने बोला था बिल्कुल अलार्म मत लगाना 8 बजे का, नहीं सीधा 9 बजे का लगाना और लेट उठाना वो बोला। तो शबनम ने मुझे 9:15 या 9 बजे उठा दिए, 9 बजे उठा दिए थे।
और गाइस जैसे कि आप लोगों का सवाल था, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन थे कि भाई तुम लोगों का इतना बड़ा घर हो के भी तुम लोग भाई लोग अलग अलग रहते हैं और बहन अलग रहती है, इतना बड़ा घर है माशाल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है कि मतलब जो भी ये हमारे माँ बाप की बदौलत है, हमारा कमाया हुआ कुछ भी नहीं है इसमें, जो भी है हमारे माँ बाप की बदौलत है। अल्लाह हमको जन्नत फिरदौस में अल्लाह से आला मकाम दे। ये जो कुछ भी है ये हमारे माँ बाप की बदौलत ही है, क्योंकि हमने तो कुछ नहीं किया, मीन्स मतलब जो कर रहे हैं अब कर रहे, पर हमारा इसके अंदर कोई इंटरफेयर नहीं था। और दूसरी चीज़ ये कि हमारा मुंबई में भी घर था और औरंगाबाद में भी, तो दोनों भी इतने बड़े बड़े ही घर थे। मुंबई में भी माशाल्लाह बहुत बड़ा घर था हमारा गवंडी में, तो वो घर जो है वो अब बिक चुका है। हाँ, क्योंकि ऐसा था कि मतलब भाइयों में बहनों में मतलब कैसा हिस्सा वो रहता है ना, कि हिस्सा बाटी करके जैसा क्लियर हो। तो हमारा जो बम्बई का भी घर था और औरंगाबाद का भी, तो एक दिन मतलब ऐसा हुआ कि महाद नहीं हुआ था ना, महाद नहीं हुआ था, इसके होने के टाइम की बात है। एक दिन ऐसा हुआ कि मतलब फ़ोन आया ऐसा बोले घर को पार्टी है यूं भी, और मतलब ऐसा था कि जल्द से जल्द करके हट जाएंगे तो अच्छा है, मतलब ऐसा बड़ों का भी डिसीजन था। हमने भी उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बोले कि हाँ चलो अच्छी बात है, जो आप लोगों को बेहतर लगे वैसा। तो सबकी राय मशवरे से वो घर बिक गया बम्बई का, और उसमें फिर हिस्सा हुआ। तो वो घर बिकने के बाद जब हिस्सा हुआ तो उसके अमाउंट में मतलब अब्दुल्ला भाई को, बाजी को और सोलिया को, ये तीनों को इनका हिस्सा मिल चुका था, जिसमें से और कुछ अमाउंट कम पड़ रहा था। और मेरे को और मुदस्सिर भाई को मतलब ये चीज़ बोली गई, मेरे को बोले भाई तेरे को क्या चाहिए, मतलब पैसा चाहिए या घर चाहिए? तो मैंने बोला भाई मैं पैसा लेके क्या करूँगा जैसा, क्योंकि इंसान के पास कितना भी पैसा रहेगा तो वो अनगरीब उड़ने ही वाला है। और मैं ये चाहता हूँ कि मतलब मैं पहले अपनी खुद की कमाई से मतलब कुछ एक अपना वो कर लूँ, जब तक घर तो रहेगा ही तो अपने उससे कुछ थोड़ा बहुत कर लूँ, मतलब मेहनत करके आगे थोड़ा बढ़ जाऊँ, उसके बाद घर तो है ही मतलब अब्बू का तो हो जाएगा मतलब। तो मैंने यही बोला कि भाई मेरे को घर चाहिए। मुदस्सिर भाई ने भी बोले हाँ चलेगा, मतलब अपन दोनों फिर औरंगाबाद का जो घर है वो ले लेते हैं। तो मुदस्सिर भाई जो बम्बई में रहते हैं मुमरा में, मुदस्सिर भाई ने और मैंने ये वाला घर ले लिए। मतलब ये घर में तीनों में से किसी का इंटरफेयर नहीं रहेगा, दोनों बहनों का नहीं और अब्दुल्ला भाई, क्योंकि उनको उनका हिस्सा जो भी था अच्छा खासा हम लोग ने दे दिए। अच्छा खासा नहीं, जितना मतलब जितना आता है। हाँ वही मतलब, हाँ, मतलब एक एक अभी अच्छा खासा मीन्स समझ जाओ कि अच्छे अमाउंट तीनों को गए। हाँ, तो ये घर हम लोग के हिस्से में आया। मुदस्सिर भाई जो आते हैं उनके हिस्से, जो अभी बीच में आके गए उनका और महत के अब्बू का, और अब्दुल्ला भाई ने फिर जो बड़े भाई थे हमारे मालेगांव, मैंने मालेगांव में घर ले लिए थे उनका खुद का। हाँ, और दूसरी चीज ये कि ये घर में हम लोग को और 5-6 लाख रुपए मतलब ज़्यादा देने का था, क्योंकि ये घर जब हम खरीद रहे थे तो हमारे दोनों के हिस्से में इतने पैसे नहीं आ रहे थे कि ये दोनों मिला के ये घर खरीद ले, ना ही हमारे पास कोई सेविंग थी ना कुछ भी नहीं था। तो हमने फिर 6 लाख रुपये मतलब और देना था ज़्यादा मतलब बढ़ा के। तो फिर हम लोगों ने कैसा कैसा अरेंज करके मतलब ये जो दोनों घर है नीचे के वो डिपॉजिट पे दिए हुए, मतलब डिपॉजिट पे, तो ये भाड़े से नहीं है मतलब रेंट पे नहीं है, ये डिपॉजिट पे दिए हुए। तो इन लोग से मतलब वही अमाउंट हम लोग ने लेके इन लोग को दिए थे, ताकि उनका हिस्सा पूरा प्रॉपर उन लोग को चले जाए, हमारा मतलब ये और हमारे उसमें आ जाए। और रही बात अब्दुल्ला भाई को यहाँ रखने की, हाँ, और लोगों के ये सवाल थे कि मैं क्लियर करता हूँ कि अब्दुल्ला भाई मतलब यहाँ क्यों नहीं रहते, वो इस वजह से नहीं रहते, उनका मालेगांव में भी खुद का घर था, बट ऐसा है उनका वहाँ पर काम वाम का नहीं जम रहा था, और काम वाम वहाँ पर उनका रोज़गार नहीं सही था। उनको औरंगाबाद में अच्छा है मतलब काम वाम का, रिक्शा वक्शा चलाते हो, तो वहाँ तो अब्दुल्ला भाई ने फिर मालेगांव में घर लिए, पर उनको काम नहीं जमने की वजह से वो औरंगाबाद रिटर्न आ गए और यहाँ पर उन्होंने काम वगैरह किए। तो यहाँ पर उनका अच्छा है मतलब अच्छे से अच्छा चल रहा है। तो पहले वो बचत की रिक्शा चलाते थे, फिर उन्होंने औरंगाबाद का घर बेच दिए, औरंगाबाद का घर बेचने के बाद उन्होंने मालेगांव का घर बेचने के बाद वो औरंगाबाद शिफ्ट हो गए, और यहाँ शिफ्ट हुए मतलब अभी अभी बिका घर उनका, एक आध महीना पहले की बात है, एक से दो महीना पहले उनका घर बिका और वो यहाँ रहने आए। पड़े गांव में रह रहे थे और घर बिकने से पहले ही यहीं रह रहे थे पड़े, और फिर वहाँ का घर भी मतलब एक महीना पहले बिक गया उनका,
और वो उन्होंने मतलब उनको जो करना था उनको जो बेहतर लगा तो उन्होंने वो किए उसके बाद। और उनको यहाँ नहीं रखने की वजह ये है, यहाँ रखने में हमको कोई हर्ज नहीं है, वो भी हमारे भाई है, खून है हमारे एक दूसरे हम लोग। पर मसला ऐसा है कि मैंने आप लोगों को पिछली बार मतलब क्यों इतना क्लियर कराया, मतलब इतना क्लियर क्यों बताया कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि नीचे के जो दोनों भी फ्लोर हैं हमारे वो डिपॉजिट पे है। हाँ, और से तो दो तीन डिपॉजिट, 3 लाख डिपॉजिट से मतलब पचास दो तीन हजार पर डिपॉजिट नहीं है। हाँ, 3 लाख से तीन लाख से उन लोग को भी नीचे रहने आना है तो उन लोग को भी डिपॉजिट देना ही पड़ेगा। हाँ, उन लोगों को छुड़ाने के लिए अगर उन लोग को यहाँ रहने आना है तो 3 लाख रुपए दे के उन लोग रहे ऐसा। हाँ, तो 3 लाख रुपए उसके ऊपर डिपॉजिट है, नीचे भी और उसके ऊपर भी 3 लाख। और उन लोग यहाँ रह के गए हैं, उनका ही घर था, यहीं रहते थे उन लोग, पानी आने की परेशानी सब उन लोग को मालूम है, यहाँ पे कितनी दिक्कत है क्या है। तो अभी पहले की जिंदगी तो मालूम नहीं है आप लोगों को। पहले अब्दुल्ला भाई यही रहते थे, ये रूम उनका ही था, बेडरूम उनका यही था, सब कुछ यही था। और उसके बाद से ऐसा हुआ कि सब बम्बई और पानी की दिक्कत से लेके सब कुछ, भाभी खुद बोले बोले नहीं के नहीं। और सबसे पहली बात देखो, जो है सीधा दूर जितना रहते उतनी मोहब्बत रहती है जी, सबको मालूम है। हाँ, और ये बात हमारे घर वाले खुद बोलते हैं। और इसके अलावा भी ये घर मतलब छुड़ाना भी इतना आसान नहीं है फिलहाल, क्योंकि हम लोग की कंडीशन ऐसी नहीं है कि 3 लाख रुपए देके उन लोगों को छुड़ाए। तो देखेंगे इंशाल्लाह आगे अगर अल्लाह ने कुछ अच्छा लिखा होगा। और रहा मुदस्सिर भाई का, तो मुदस्सिर भाई यहाँ पे नहीं रहते क्योंकि उनको यहाँ नहीं जमता। अब्बू के टाइम पे ही बोल दिए थे कि मैं औरंगाबाद में नहीं रहूंगा, मैं बम्बई। मैं एक वाहिद ऐसा था जो आज तक यही रह गया, औरंगाबाद में ही रहा हूँ क्योंकि मतलब यही मैंने काम। और रहा सोलिया का, सोलह को क्यों नहीं रख रहे, तो सेम वही बात है, उसको भी रहना रहेगा तो उसको डिपॉजिट छुटाना पड़ेगा और उसको रहना पड़ेगा। तो कोई इतना पागल नहीं है कि 3-4 लाख रुपए यहाँ देगा। हाँ, है कि नहीं, बिना पानी के बिना इसके। मतलब हाँ, ऐसा नहीं है भाड़ा, मतलब बाजी का घर खुद का है अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो मेरा बोलने का, देखो तुम, मैं एकदम खराब बोलती जो है साहब, वो ननंद है मेरी, अगर वो यहाँ रहेगी तो भी बोलेंगे कि ननंद है, भाभी के घर में रह रही। और वो यहाँ नहीं रह रही तो भी मेरे को बोल रहे कि तू अपने पास रख। तो ये दुनिया ना क्या बोलते, ऊँट पे चलने भी नहीं देती है ना ही पैदा चलने देती। मैं ऐसी तो बोलती फिर सीधा। मैं एक ही बात बोलूंगा 100 की सीधी के, मतलब बोलते ना जिसके दिलों का हाल है वही जानता है बेशक कि जिसके जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो उनको ही मालूम रहता है। आप हमारी ये 15-20 मिनट वाली जिंदगी मतलब ब्लॉग को देख के हमारे 24 घंटे की जिंदगी का। कल फिर मेरी बाजी भी बोले बोले, अरे जो जो बोलता है बाजी ने भी बोले बोले, गलत बहुत बोलते पर तू टेंशन मत लिया कर। ऐसा है ना कि मतलब देखो ऐसा है, हम मतलब 24 घंटे में से आप लोगों को 15 मिनट हमारी जिंदगी के बताते हैं कि ये हमारे 15 मिनट है, तो आप लोग इस पे से पूरी मतलब पूरा डे हमारा नहीं। और रहा घर का पैसों की, तो ये सब चीजें व्लॉग में बताना मुझे ठीक नहीं लगती सीधी सी बात, क्योंकि पैसा घर ये सब नहीं बताया जाता है। पर अभी आप लोगों को बोलो तो आप लोग बोलते हैं कि आप लोग मीन्स कुछ लोग, तो कैसा है ना मतलब इतना खुलासा करके चीजें मुनासिब नहीं रहती, क्योंकि हम लोग मतलब अभी हम लोग व्लॉग बना रहे, हमारी बहन भाई लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई तुम लोग अच्छा कर रहे हो, मतलब करो अच्छी चीज कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, मतलब नाम कमा रहे हो, अच्छी बात है। हमारे घर वाले बहुत खुश है इस चीज़ को लेके, जैसे कि आप लोगों मैंने ब्लॉग में भी बताया, यहाँ देख रहे थे चाचा और लोग भी मतलब देख रहे थे जबकि सामने ही मौजूद है, उसके बाद भी उन लोग सपोर्ट बहुत करते हैं घर वाले माशाल्लाह। पर ऐसा रहता है कि जैसा और भी जैसा घर वाले है हमारे बड़े बोलो या और भी जो हमारे रिलेटिव होंगे दूर के, क्यों नहीं होते रिश्तेदार हो, उन लोग देखेंगे तो बोलेंगे देखो यार ये लोग कितना मतलब क्लियर कर रहे हैं, तो ये सब चीजें मुनासिब नहीं होती है ब्लॉग में। मतलब सबसे पहली बात सोशल मीडिया पे ये सब बातें बताना नहीं चाहिए। पर सवाल इतने थे क्या मैं मजबूरन बताना पड़ा, मैं बोला नहीं ठीक है अपन बता देंगे क्योंकि आप लोग भी हमें अपना कीमती वक्त, क्योंकि सीधी सी बात जो घर है ये सब एक पर्सनल चीज होती है, ये सब चीज सोशल मीडिया पे नहीं बताई जाती है। पर यहाँ पे कुछ लोगों को जो नहीं वो रहता है तो बोले जा रहे रखो अपने साथ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहो आके, मैं बोला ना हमको भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जब हम लोग ऐसे में इतने अच्छे से रहते हैं तो फिर साथ में रहेंगे तो कितने अच्छे से रहेंगे। नसीर भाई भी आए थे आगे रहने के लिए, आप लोग ने शायद देखे, सब मालूम है जी, सब व्लॉग में हर एक चीज है। अगर आएंगे पर... तो आगे रहना पड़ेगा, मतलब एक ही रूम में, और फिर दोनों फैमिली नहीं एडजस्ट हो पाएगी यहाँ पर, सीधी बात है। मेहमान वगैरह ये वो भी आते हैं, सबको मालूम है हम लोग के घर में मेहमानों का सिलसिला बहुत ही बोलते ना बहुत जोरों शोरों में चलता है कि दावत है ये वो, हमारे वालिद के टाइम से ये चीजें चलती हुई आ रही है। तो गाइस चलिए, तो चलिए, खैर अभी से ज्यादा सफाई नहीं देना है।
मैंने आप लोगों को एकदम क्लियर कराने की कोशिश किया, मुझे जहाँ तक मुनासिब लगा, और कुछ मेरी बातों का बुरा लगा होगा तो हम दोनों माफ़ी चाहते हैं कि अगर कुछ भी हमारी अच्छी बुरी बात आप लोगों को लगी हो तो हमारा कोई बोलने का नेक्स्ट टाइम हम उम्मीद रखेंगे कि पर्सनल चीजें है ये सब ना आए सोशल मीडिया पे। नहीं ठीक है, आप लोग भी अपना कीमती वक्त निकाल के देख रहे हो, हमें पूछ रहे हो, सही बात है कि आप लोगों को भी मतलब एक इच्छा रहती है कि हाँ यार मैं जानूँ ये चीज़ क्या है, मतलब ये मैं जानना चाहता हूँ या चाहती हूँ कि भाई ये लोग ज़िंदगी में कैसा क्या, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब बताई नहीं जाती। तो फिर भी मैंने मेरी तरफ से एकदम क्लियर आप लोगों को सब बता दिया हूँ, और आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे कि मतलब क्या मसला है। तो गाइस चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करते रहना और ऐसे ही हमें भी सपोर्ट करते रहना। तो चलिए अल्लाह हाफिज़।